जब हम ज्योमेट्री यानी कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल जो ज्योमेट्री में आते हैं, ज्योमेट्री का क्या नॉलेज है, ज्योमेट्री मीन्स द नॉलेज टू क्या सुना है मेजर द लेंथ, इससे हम यानी लेंथ और ये किस में काम आती है, इट बिलोंग्स टू द फिजिक्स। ज्योमेट्री और फिजिक्स के दरमियान यानी क्लोज कंटेक्ट है। ठीक है, यथ मज एक्यूरेसी मतलब गो ये कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स यानी कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स मजा गोट या स्टार्टस इससे पता। ये मैंने आपको बार बार पर दोबारा मैं आपका क्योंकि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, दोबारा मैं आपको बोलते हैं A figure bounded by three sides is called a triangle. A, B and C suppose. हम यहाँ पर एक फिगर लेते हैं, वो फिगर जो तीनों साइडों में ये जो तीनों साइडों की तरफ बंद है इसको कहते हैं ट्रायंगल। पद गई ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, It has three sides. It has three sides. अथ सोच आसान क्या शून्य त्रिशाई। पलगो नंबर टू। It has three angles. अथ सोच आसान यानी त्रिज्यावी ए बी एंड सी। पद को प्रॉपर्टी नंबर ये थर्ड, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ये गो एम थोड़ा थोड़ा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये गो एम क्या चुना क्या हो, ये मैंने दोबारा दिया आपको इसका प्रॉपर्टीज और मैंने सिखाया आपको इसका यानी है किस तरह बनाई जाती है, इसका क्या है और किसके बारे में यानी इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह ट्रायंगल होती है, क्या इसमें होता है, कितने जाविया होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमारा टॉपिक है यानी कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें आते हैं यानी बहुत सारे ट्रायंगल। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, EQUALITERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हम डिफरेंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ए ट्रायंगल हूज ऑल साइड्स यानी फिलहाल तो हम एंगल्स की बात एंगल को हमने छोड़ दिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स about sides. यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गई, a triangle whose three sides are equal is called a equilateral is called a equilateral triangle A B and C। यानी सिर्फ ट्रायंगल ये में क्या है त्रिशवें साइड पर उनमें बराबर आसन इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कल दोबारा इसी पर बात करेंगे।